हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के बारे में, कि अकाउंट्स होती क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक टर्म्स जो हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कभी भी 10th से पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो कॉमर्स लेके इस सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होती है कि अकाउंट्स क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोलते हैं कि अकाउंट्स मैथ्स की तरह होता है। बट मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि अकाउंट्स इतना मैथ्स नहीं है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन मैथ्स की तरह यूज़ होती है, बाकी वो एक अलग वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इससे आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि आपने फ्यूचर में अकाउंट्स लेके कॉमर्स पढ़नी है या आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा और कोई ऑप्शन अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स के बारे में मीनिंग पढ़ लेते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि अकाउंट्स है ही क्या। तो अकाउंट्स बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा स्मॉल शॉप्स पे जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो जब हम कैश में सामान लेते हैं और कई बार हम उधार पे भी सामान लेके आते हैं दुकान वालों से, तो जब हम उधार पे सामान लेते हैं ना, तो वो अपनी एक उनके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो लिखते रहते हैं कि राम को हमने इतने रुपये का सामान बेच दिया, ठीक है, अंकित को हमने इतने रुपए का सामान सेल करा है, मोहन को हमने इतने रुपए का सामान सेल किया है। तो ऐसे ऐसे उसमें वो लिखते हैं कि हर बंदे को कितने रुपए का हमने उधार दिया है, तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, कि वो बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि हमने इतना सामान किया है। यही काम, यही ट्रांजेक्शन को जब कंपनी एक लार्ज लेवल पर रिकॉर्ड करती है ना, तो उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। मतलब कि जितना भी ट्रांजेक्शन हुई है, जिससे कितना सामान खरीदा है, किसको बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, किसको उधार पे सेल किया है, कहाँ से वो सामान हमने परचेज किया है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, वो सारी चीज़ों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो डेट वाइज समरी होती है ऑफ डेट वाइज समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उसकी हम जब डेट के अकॉर्डिंग समरी बनाते हैं, तो वो होती है अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंट्स के लिए आपने देखा होगा बच्चों को वो फॉर्मेट्स बनाते हैं एंड फिर उसमें वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो हाँ, अकाउंट्स के लिए तुम्हें हर चीज़ के अकाउंट जब भी बनाओगे तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बोलते हैं, जिसकी दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मान लो आप सेल्स अकाउंट्स बना रहे हो, तो उसमें आप सारी सेल लिखोगे, कितना भी हमने सेल करा है एक महीने में, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि अकाउंट्स को देख के हमें ये पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे देखो, स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, हमें उसके रिपोर्ट कार्ड को देख के पता चलता है ना कि उसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कितना पढ़ रहा है। ऐसे ही जब हम किसी कंपनी के अकाउंट्स को देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि अकाउंट्स होते क्या है, तो अब हम ना बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं जो अकाउंट्स में आपके पूरे साल यूज होंगे प्लस वन एंड प्लस टू में, ठीक है। इनका आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन टर्म्स के बारे में। सबसे पहले देखो कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? जो भी पैसा, मनी, इसकी अगर इजी डेफिनेशन बोले तो मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी हमें बिजनेस करना है, मान लो हमें फर्नीचर का बिजनेस करना है, हमें कपड़ों का बिजनेस करना है, हमें बुक्स का बिजनेस करना है, हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग में। तो उन पैसे को, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। फिर आता है सेकेंड आपका पॉइंट कि व्हाट इज एसेट्स। अगर एसेट्स को एक लाइन में बोला जाए तो वो ये है कि जो हमारी चीज़ होती है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो साक्षी के पास एक बहुत अच्छी सी ड्रेस है, ठीक है। अब वो ड्रेस उसकी एक फ्रेंड अंजलि ने देखा और उसने कहा कि ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तो ऐसा करियो ये ड्रेस मुझे मेरी पार्टी के लिए, मेरे को दे दियो 2 दिन के लिए। तो अब वो ड्रेस जब अंजलि ने साक्षी से ली, बोरो करी, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो जो अंजलि है ना, उसकी तो वो ड्रेस नहीं है ना, है तो साक्षी की, साक्षी उसकी ओनर है, उसने तो बस वो पहनने के लिए दी है। तो जो साक्षी है वो उस ड्रेस की क्या है, साक्षी का वो ड्रेस क्या है, एक एसेट है, मतलब वो उसकी एसेट है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के जो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, जितनी भी लैंड और बिल्डिंग कंपनी के नाम पे है, कोई मशीन है कंपनी के नाम पे, कोई टूल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सारे क्या हैं?
कंपनी के एसेट्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है, जो कंपनी की प्रॉपर्टीज है, सिंपल। अब आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है, जो चीज हमारी नहीं है, जो हमने किसी और से बोरो करी है, किसी से लोन लिया है। लाइबिलिटीज को लोग लोन भी बोलते हैं, बोरोइंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट हमने किसी और से लिया, जो पैसा हमारा नहीं है, जो चीज हमारी नहीं है, जैसे उसे एग्जांपल में आते हैं, जैसे साक्षी से अंजलि ड्रेस लेके गई, तो वो ड्रेस जो है साक्षी के लिए तो एसेट है, पर अंजलि के लिए वो क्या है, एक लाइबिलिटी है कि वो ड्रेस अब उसको सही सलामत उसको वापस करनी पड़ेगी, वो चीज़ हमारी नहीं है। जैसे हमने लिया लोन फ्रॉम बैंक, वो पैसा हमारा नहीं है, वो एक ना एक दिन हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा, या हमने कहीं और से क्रेडिट लिया, क्रेडिट भी किसको बोलते हैं, लोन को ही बोलते हैं, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉइंग्स की। अब ड्रॉइंग्स उनके बच्चों के दिमाग में आता है ये वाली ड्रॉइंग्स, पर ये वाली ड्रॉइंग्स नहीं होती। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जो चीज, जो अमाउंट हम अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, मतलब कि जो पैसा हम बिजनेस में से वापस निकाल रहे हैं, ये सेम कैपिटल का ही अपोजिट है। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना, ठीक है, कैपिटल का मतलब है बिजनेस में पैसे को लगाना, और ड्रॉइंग्स का मतलब है बिजनेस में से पैसे को निकालना। जैसे मान लो एक बंदे की शॉप है, उसकी शॉप पे 10 टेबल पड़े हैं, चेयर्स पड़ी है एक्स्ट्रा, वो उन टेबल चेयर को अपने घर पे ले आया, तो वो ड्रॉइंग्स हुई कि उसने अपने बिजनेस में से कुछ चीज़ या कुछ पैसे वापस निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिए, अपने घर के लिए यूज़ कर लिए, ठीक है। उसके बाद आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो इसमें देखो बहुत इजी है, इनको भी समझना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो जिन लोगों से हम उधार लेते हैं, मतलब जो लोग हमें पैसे दे रहे हैं, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। जैसे बैंक से हमने पैसे ले लिए, तो बैंक हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। और डेटर वो होता है जिसको हमने उधार दिया है, ठीक है, जिन लोगों को हमने पैसे दिए हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो जतिन ने अभिषेक को 1,000 रुपये दिए, तो जो जतिन है ना, वो अभिषेक के लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि उसने पैसे दिए 1,000 रुपये। और जतिन के लिए अभिषेक क्या है, उसका डेटर है, क्योंकि उसने पैसे अभिषेक को दिए, ठीक है। तो क्रेडिटर वो जो पैसे देता है, डेटर वो जिसको पैसे मिलते हैं, ठीक है, और जो उन पैसों को वापस करेगा। उसके बाद आता है परचेज क्या होता है। परचेज तो सबको पता है, जो भी हम खरीदते हैं सामान उसको बोलते हैं परचेज, पर यहाँ पे एक नई टर्म और यूज़ होती है, परचेज रिटर्न क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि लड़कियों की तो आदत होती है ना, एक बार मार्केट से कुछ सामान ले आए तो वो वापस करके आना ही आना है, कुछ और लेके आना है, एक बार में तो तसल्ली हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो बबीता ना एक ड्रेस ले आई मार्केट से खरीद के, उसके बाद जब वो घर लाई तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि ये कैसी ड्रेस ले, ये अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो इसे वापस कर गया। तो वो होता है परचेज रिटर्न, कि जो सामान हमने खरीदा वो वापस कर दिया, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है परचेज और रिटर्न, पर स्कूल वाले भी बहुत चलाक है, वो इसको परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड करके दे देते हैं पेपर में, कि व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता क्योंकि यहाँ पे वर्ड लग गया रिटर्न आउटवर्ड। तो तुम्हें ऐसे समझना है कि वापस किया, और आउटवर्ड मतलब हमारे पास से तो वो चले गया ना, तो कब जाएगा, जब हम कुछ खरीद के लाए और हमने वो वापस कर दिया शॉपकीपर को, तो वो हुई रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आती है सेल। सेल भी सबको पता है क्या होता है, जितना भी सामान हम बेच रहे हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, हम जितना भी सामान सेल कर रहे हैं वो हमारी सेल हुई, ठीक है। अब फिर आते हैं सेल रिटर्न। सेम जैसे हमने परचेज रिटर्न पढ़ी, वैसे ही सेल रिटर्न होती है, ठीक है, कि जो सामान हमने बेचा वो वापस से हमारे पास ही आ गया, ठीक है। मान लो मोनिका ने अपनी शॉप में से 100 बैग सेल करे, ठीक है, जिसमें से कस्टमर घर गया और वापस से आके वो वापस कर गया 20 बैग्स को, तो वो कम मोनिका के लिए क्या हुई, सेल रिटर्न, क्योंकि उसने सामान बेचा और उसको वापस आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, DR का मतलब क्या होता है, जब DR लिखा होता है, डॉक्टर, नहीं नहीं, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं डेबिट, एंड CR का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो आपने बहुत बार बच्चों से सुना होगा, डेबिट करते रहते हैं, डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, डेबिट क्रेडिट, 10 से पहले सारे सोते हैं क्या करते रहते हैं, डेबिट क्रेडिट सारा दिन। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो एक अकाउंट, मैंने बोला ना हर चीज़ के लिए तुम फॉर्मेट बनाते देखे होंगे, बच्चे फॉर्मेट बनाते रहते हैं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, फिर उसमें लिखते रहेंगे कुछ कुछ, तो जो लेफ्ट साइड होती है ना अकाउंट्स की, लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। बाकी किस चीज़ को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, वो आप आगे पहले चैप्टर उसमें पढ़ोगे। बाकी तो बहुत बेसिक बेसिक टर्म है, जैसे कि रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है जहाँ से हमें पैसे आने हैं, ठीक है।
एक्सपेंडिचर सबको पता ही है, खर्चे को बोलते हैं, एक्सपेंस भी खर्चा होता है, इनकम भी सबको पता है, प्रॉफिट पता है सबको क्या होता है, गेन भी प्रॉफिट को ही बोलते हैं, लॉस सबको पता है, गुड्स होता है कोई भी चीज़, कोई भी सामान, ठीक है, जो भी बिजनेस में हम बेच रहे हैं, जैसे टेबल सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, क्लोथ्स सेल कर रहे हैं, वो सारे गुड्स होते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। बाकी स्टॉक, स्टॉक होता है कि जो भी सामान हमारे पास पड़ा है, जितना भी हमारे पास स्टॉक पड़ा है दुकान में सामान बेचने के लिए, उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। अच्छा एक टर्म आती है मेन प्रोपराइटर, जो बच्चों को कई बार नहीं पता होती, प्रोपराइटर क्या होता है, ऑनर को बोलते हैं, जो कंपनी का मालिक है, जो इसने कंपनी बनाई है, जिसकी कंपनी है वो क्या होगा, प्रोपराइटर, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू क्या होता है, जहाँ से हमें इनकम होगी, रेवेन्यू भी सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहाँ से हमें पैसे आएंगे, सेल, सेल भी, ठीक है। अच्छा अब आता है बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स। अच्छा अभी हमने पढ़ा कि हम कई लोगों को पैसे देते हैं, जिनको भी हम पैसे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स, ठीक है। तो ये इसी से ही वर्ड बना है, बैड डेट्स, डेट्स, ठीक है, डेटर में से डेट्स, बैड मतलब बेकार डेट्स, कि जिनको हमने पैसे दिए और वो पैसे लेके 9-2-11 हो गए, ठीक है, पैसे लेके भाग गए, तो उन्हें बोलते हैं बैड डेट्स। अब मान लो जैसे मोहन था, मोहन ने ना अपने दोस्त को 1,000 रुपये दिए, उसने कहा कि भाई 1,000 रुपये दे दे प्लीज़, मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए, और फिर उसके बाद उसने दे दी, अपने फ्रेंड ने कहा कि ठीक है मेरे को वापस कर दियो जब भी तेरे पास हो। अब मोहन था चालाक, उसने अपना वो तो दिल्ली शिफ्ट हो गया और मोहन को पैसे ही नहीं दिए, तो वो हुआ बैड डेट्स, जो पैसे लेके भाग गया। या हम कह सकते हैं मेनली बैड डेट्स वो भी होते हैं कि जिनके पास ना अब वो ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि उनके पास पैसे दे ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, कच्चे बनियान में आ चुके हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि अब उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, सारी उनकी प्रॉपर्टीज बेच दी, सब कुछ बेच दिया, जैसे 10 करोड़ का लोन दिया बैंक ने किसी कस्टमर को सपोज, अब उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, बैंक को 8 करोड़ रुपये वापस मिल गए 2 करोड़ के रुपये के लिए, अब उसके पास कुछ है ही नहीं, सारा कुछ उस बंदे का सेल हो गया, तो अब कच्चे बनियान बचे हैं, वो थोड़ी सेल करेंगे, तो इसलिए क्या हुआ, वो बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बंदा बैड डेट हो गया, अब जब भी उसके पास पैसे होंगे ना तो उससे पैसे लेके जा सकते हैं। अब एक टर्म आती है बैड डेट रिकवर्ड, कि बैड डेट रिकवर्ड क्या होते हैं, बैड डेट रिकवर्ड होते हैं जिन बैड डेट से हमें पैसे मिल जाए, मतलब उसको हमने बैड डेट बना दिया था, अपनी बुक में लिख दिया था कि ये बंदा बैड डेट बन चुका है, अब इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, फिर कहीं से 2-3 महीने बाद वो बंदा उठ के आता है और वो खुद पैसे दे जाता है कि भाई जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था, तो अब मेरे पास पैसे हैं, तो ये लो तुम्हारा उधार। वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। अच्छा अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के एडवांटेजेस, ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या अकाउंट्स के, सबसे पहला एडवांटेज तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब है कि हम ना भूल जाते हैं, जो भी हम याद करते हैं, जो भी हमें हर चीज़ थोड़ी याद रहती है, हमने एक साल में किन किन लोगों को सामान बेचा, कितने रुपए का सामान बेचा, किसको उधार दिया, कितना उधार दिया, तो ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते, कोई भी मैंने वो याद नहीं रख सकता, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा लड़कियों की मेमोरी थोड़ी वीक ही होती है ना, कि वो भूल जाते हैं जल्दी से कोई चीज़ कहीं रख के कोई चीज़, तो ऐसे ही क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उन चीज़ों को लिख लेते हैं अकाउंट्स में कि हमने इस बंदे को इतने का उधार दिया, इसको इतने की सेल करी, इतने का परचेज किया, ताकि क्या होएगा कि हमारी याददाश्त तो भूल गए बट वो लिखा हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है हर चीज़ का, ठीक है। जैसे कि आप देखो सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट, कि हमें कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो भी हम अपने अकाउंट्स को देख के निकाल सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना बन रहा है, इनकम टैक्स देना होता है ना साल में कि तो सरकार को कितना टैक्स बनेगा, वो हम अपने अकाउंट्स को देख के बताते हैं। क्यों अकाउंट्स को देखते हैं, क्योंकि अकाउंट से ही हमें पता चलता है हमें कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, और जितना प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स पे हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड तो पता ही है सबको, तो फ्रॉड से हमें अकाउंट्स बचा लेते हैं, अगर हमने अकाउंट्स में वो चीज़ लिखी है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, फ्रॉड है। फिर आता है हेल्प इन प्लानिंग, तो जो अकाउंट्स है वो प्लान बनाने में भी हेल्प करती है, हमने अपने बिजनेस के लिए कोई भी प्लान बनाना है तो हम अपने अकाउंट्स को स्टडी करके बना सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका फंड रेजिंग बिकम ईजी, फंड रेजिंग बिकम ईजी का मतलब है कि किसी से हमें फंड लेने हैं, पैसे लेने हैं ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको बैंक से लोन लेने जाना है तो क्या होएगा, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट्स देखता है कि भाई कंपनी के हाल कैसे हैं, मेरे को पैसे वापस दे भी देगी या बेकार से कंपनी लॉस में जा सकती है, तो बैंक उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोन देता है। सिक्स्थ है एविडेंस इन कोर्ट,
एविडेंस होता है प्रूफ, कोर्ट में ये प्रूफ के तौर पे काम आता है कि हमें कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो हम अपने अकाउंट्स को भी वहाँ पे एक प्रूफ दिखा सकते हैं। अगर मान लो किसी बंदे ने केस कर दिया कि ये कंपनी मेरे इतने पैसे ले रही है और वापस ही नहीं करे, तो हम अपने अकाउंट्स में दिखा सकते हैं कि हमने तो इससे इतने पैसे लिए ही नहीं जितने वो बोल रहा है, ठीक है। फिर है कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया था दो बच्चों को कंपेयर करना हो तो हम उनके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देख के कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे ही दो कंपनियों को कंपेयर करना हो तो हम उनके अकाउंट्स देख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो है ही कि हमें लास्ट में पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अकाउंट्स को देख के हमें साल के लास्ट में पता चलता है कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखो क्या क्या है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि हिस्टोरिकल इन नेचर कि जो अकाउंट्स होते हैं ना वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, हिस्ट्री की तरह होती है। जैसे हिस्ट्री में हम बोलते हैं कि जो चीज़ होगी वो पढ़ाते रहते हैं हमें सारे साल, है ना, जो हो ही चुका है। तो ऐसे ही जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना तो हम अकाउंट्स में वही चीज़ें लिखते हैं जो पिछले साल हुई है, है ना, क्योंकि एक साल के अकाउंट्स बनते हैं। जैसे मान लो अगर हम 2020 के हम अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल को जो हुआ वो लिखा, मई में, मार्च में, सितंबर में सारा लिख दिया, लास्ट में 31 मार्च को अकाउंट्स ख़त्म होते हैं। अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब 31 मार्च को हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी तो उस बुक में जो रिकॉर्ड होगा वो पुराने महीनों का ही तो होगा, पिछले साल का। तो इसलिए सारी जो चीज़ें होती है ना वो हिस्टोरिकल होती है, मतलब पुरानी लिखी होती है उसमें सारी, अभी प्रेजेंट की वैल्यू कुछ नहीं होती, पिछले महीने का ही रिकॉर्ड होता है सारा। सेकेंड आता है इग्नोर नॉन मोनेट्री इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंट्स में सिर्फ हम वही इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जिसकी मनी वैल्यू होती है, जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉन मोनेट्री चीज़ों को नहीं लिखते जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती, सिर्फ हम यहाँ पैसे से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्डवर्किंग है, बहुत ही इनोसेंट है, तो हम उसके बारे में ये सब नहीं लिखते अकाउंट्स में। हम बस ये देखते हैं कि उस एम्प्लॉय से हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, उससे कितने का नुकसान हुआ, कोई स्टूपिड है, कोई इंटेलिजेंट है, वो सब हम नहीं देखते अकाउंट्स में, ठीक है। थर्ड आता है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, कि अकाउंट्स हम खुद बनाते हैं ना, खुद ही हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अब तुम सोच के देखो कि जब हम खुद ही अकाउंट्स बना रहे हैं तो कई बार जैसे हम मैथ्स में भी करते थे कि किसी चीज़ को निकालने के 2-3 मेथड होते हैं, है ना, जैसे कि मीन देख लो, मीन को निकालने के 3 मेथड होते थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आता है। तो ऐसे ही अकाउंट्स में कुछ कुछ चीज़ों को निकालने के ना एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, ठीक है, और कई बार उनसे आंसर सेम आता है, कई बार अलग भी आता है किसी किसी जगह, तो हम वो खुद से डिसाइड करते हैं कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है विंडो ड्रेसिंग, ये तुम उससे समझ सकते हो, जैसे शोरूम में तुमने देखा होगा बाहर वो नहीं खड़े होते प्लास्टिक के मॉडल्स, उन्हें कपड़े पहना पहना के ड्रेस करके रखा होता है दुकान के बाहर, है ना, बड़े बड़े शोरूम्स में वो ये दिखाते हैं कि हमारी दुकान का बेस्ट सामान ये है, मतलब वो अपनी दुकान का जो भी अच्छा अच्छा सामान होता है वो बाहर लगा देते हैं ताकि कस्टमर देख के अट्रैक्ट हो। तो ऐसे ही अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह है कि जैसे मान लो आपको ही बोला जाए कि अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाओ, तो आप तो उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स से लिखोगे ना, तो ऐसे ही क्या होता है, अकाउंट्स बनाती कौन है, कंपनी के ही बंदे बनाते हैं, तो वो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन फेक लिख देते हैं। जैसे उनके पास मान लो उनके पास ज़मीन है 2, लिख दी 12 है, ठीक है, उनके पास मशीन्स है 4 और लिखी हमारे पास 40 मशीन्स है, तो क्या कर रहे हैं वो अपने अकाउंट्स को झूठा इन्फॉर्मेशन लिख के ये दिखा रहे हैं कि हमारे तो बहुत अच्छी कंपनी है जी, हम तो बहुत अमीर हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, गलत, ये लिमिटेशन है, नुकसान है कि अकाउंट्स को हम मिस यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये लिख सकते हो डज नॉट Disclosed present value of business, कि business की आज value कितनी है, हमारा business की आज कितनी कीमत है वो हमें नहीं पता चलती, क्योंकि मैंने अभी बताया ना historical in nature होती है, हमें पुराना record पता होता है, latest कुछ नहीं पता होता।
ठीक है। ऐसे ही एक और पॉइंट है आपकी बुक में, डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन, वो इसी की जगह तुम ये हेडिंग लिख सकते हो कि टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं बताती, पुराना रिकॉर्ड बताती, वो फर्स्ट पॉइंट की जगह यूज होएगा। ठीक है, तो ये थे अकाउंट्स के मेरिट डिमेरिट्स एंड ऑल अबाउट की व्हाट इज अकाउंट्स एंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।